हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी स्टार्ट आवर रेगुलर क्लासेस. ओके, सो टुडे वी विल डू आवर मैरीगोल्ड बुक यूनिट 5th चैप्टर 1. सो व्हाट्स द नेम ऑफ द चैप्टर? जू मैनर्स. हमारे चैप्टर का नेम क्या है? जू मैनर्स. सो लेट्स स्टार्ट. बी केयरफुल What you say or do. Be careful यानी कि ध्यान से. जब इसमें क्या कह रहे हैं कि be careful what you say or do. Say means कहना और do means करना. इसमें कह रहे हैं कि तुम्हें careful रहना चाहिए जब तुम कुछ बोलते हो या और कुछ करते हो. When you visit the animals at the zoo. और जब तुम क्या कर रहे हो? एनिमल्स का विजिट कर रहे हो एट द जू. जू में, जू मीन्स चिड़ियाघर. ओके, तो तुम जब एनिमल्स का चिड़ियाघर में, जू में विजिट कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? बोलना भी ध्यान से चाहिए और जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो तुम्हें बी केयरफुली करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखो. डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प. ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल हम्प. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि तुम्हें जो कैमल के हम्प का, हम्प देख पता है आपको क्या होता है? जो कैमल के पीठ के ऊपर कुब्बड़ बना होता है, ऐसे बाहर सा निकला होता है ना, उसको हम्प बोलते हैं. तुम्हें क्या करना चाहिए? उसका कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए. ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल हम्प. उसे अपने इस हम्प पर बहुत प्राउड होता है, यानी प्राउड मीन्स गर्व. ओके, डोंट मेक फन ऑफ एनिमल्स हम्प. ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल हम्प. हमें जो कैमल के हम्प का फन नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसे अपने हम्प पर बहुत प्राउड होता है. ओके, नेक्स्ट देखो. डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी. ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी. तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं वो? कि हमें चिंपैंजी पर कभी भी लाफ नहीं करना चाहिए. लाफ मीन्स क्या होता है? हंसना. तो कभी भी बहुत ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए. ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी. वो क्या सोचता है? कि जैसे हम बुद्धिमान हैं, हम और तुम और मैं बुद्धिमान हूँ, वैसा ही वह बुद्धिमान है. अपने जैसा बुद्धिमान समझता है वो खुद को. ओके, नेक्स्ट देखो. And the penguins starting around the lake can understand remarks you make. तो आगे क्या कह रहे हैं कि penguins क्या करते हैं? अकड़ कर चलते हैं चारों तरफ उसके. around means चारों तरफ, striking means अकड़ कर चलना. तो वो लेक के चारों तरफ अकड़ कर चलते हैं. can understand remark you make. वो समझ सकते हैं जो तुम, जो कुछ तुम कर रहे हो, जो कुछ तुम वहाँ पर कर रहे होंगे वो सब वो समझ सकते हैं. treat them as well as they do you. तो हमें क्या करना चाहिए? कि उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए. एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू. यदि तुम उसके साथ अच्छे से बिहेव करोगे तो क्या होगा? कि वो तुम्हारा हमेशा से, हमेशा ही जू में वेलकम करेंगे. आप लोग अच्छा से बिहेव करोगे एनिमल्स के साथ तो वो आप लोगों के साथ भी अच्छा, तो उन्हें अच्छा लगेगा, तो वो तुम्हारा क्या करेंगे? हमेशा जू में वेलकम करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर अच्छे से, पोएम अच्छे से क्लियर होगी. ओके, तो अब अपने आपने इसे अगेन एंड अगेन रीड करना है और जो PDF में वर्क आएगा उसे नीट एंड क्लीन राइट करना है. ओके, Today's class is over. Thank you. Have a nice day.